year, welcome to second class. Dear students, as I told you, before that I explain you the English and Hindi subject. Now, the subject maths and EBS. In maths, गणित विषय में आपका कार्य क्या रहेगा? Tables. आपको tables learn करना है from 2 to 10. Number 2 to 10, the 2 से आपको 10 तक के tables आपको learn करना है. आपको लिखना आना चाहिए और आपको oral part. अगर आपसे पूछा जाता है तब आपको इस सप्ताह आपको 10 तक table आपको learn करना अनिवार्य है. फिर next जो हमारा work रहेगा EBS subject में रहेगा. EBS subject में meals. Meals का मतलब होता है भोजन जो हम लेते हैं, क्योंकि हम 3 days भोजन का सेवन करते हैं. मॉर्निंग का टाइम हमारा मतलब बॉडी का जो खाना हम खाते हैं उस खाने को ब्रेकफास्ट कहा जाता है. दोपहर में खाना खाते हैं उसको लंच कहा जाता है, और नाइट में रात में जो हम खाना लेते हैं उसको डिनर कहा जाता है. तो ये अलग अलग तरह के खाने हम 3 days उनका सेवन करते हैं. तो इन भोजन का समय कौन सा रहता है और कौन से फूड का हम सेवन करते हैं और उसको क्या कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है वेदर. वेदर का मतलब होता है मौसम, क्योंकि अलग अलग सीजन चलती है. 12 months में 1 year मीन्स 1 साल में अलग अलग सीजन होती है, अलग अलग वेदर आते हैं. तो वो वेदर कौन कौन से हैं, जैसे सर्दी गर्मी और वर्षा, 3 main सीजन है. तो सर्दी को क्या कहते हैं, गर्मी के मौसम को क्या कहा जाता है, और रेनी सीजन ये बारिश का वर्षा का मौसम जिसको रेनी कहा जाता है, सर्दी को विंटर और गर्मी को समर. तो इस तरह के मौसम के बारे में कि इस तरह के मौसम होते हैं और ये मौसम में हम किस तरह से हम अपने आप को सेफ रखते हैं इनसे, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे. फिर वेजिटेबल्स में सब्जियों के नाम, जो नियमित आपके घर में सब्जियाँ बनती हैं तो वो कौन कौन सी सब्जियाँ हैं और उनके नेम्स क्या हैं, इंग्लिश में उनके नाम से जाना जाता है. तो इसके बारे में हम क्या इस सप्ताह का हमारा कार्य रहेगा और हम आगे करेंगे. तो नाउ आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन अ वर्क इन वर्कबुक. वी रेडी? तो आप देख सकते हैं मैथ्स में टेबल्स, राइट एंड लर्न, आपको लिखना और बोलना दोनों आपको आना चाहिए. किस तरह से आप इनका प्रोनाउंस करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ. कि जैसे ये 2 की टेबल है, क्योंकि 2 से 10 तक का आपका इस हफ्ते का टेबल लर्निंग का कार्य रहेगा. जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. इस तरह से 2 की टेबल. देन नेक्स्ट टेबल 3 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. Table 4 4 1s are 4, 4 2s are 9, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. Next table number 5 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50. Table 6 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60. Number 7 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21,
सेवन फोर्स आर 28, सेवन फाइव्स आर 35, सेवन सिक्सेस आर 42, सेवन सेवन्स आर 49, सेवन एट्स आर 56, सेवन नाइन्स आर 63, सेवन टेन्स आर 70. नंबर एट, एट वन्स आर 8, एट टूस आर 16, एट थ्रीस आर 24, एट फोर्स आर 32, एट फाइव्स आर 40, एट सिक्सेस आर 48, एट सेवन्स आर 56, एट एट्स आर 64, एट नाइन्स आर 72, एट टेन्स आर 80. नंबर नाइन, नाइन वन्स आर 9, नाइन टूस आर 18, नाइन थ्रीस आर 27, नाइन फोर्स आर 36, नाइन फाइव्स आर 45, नाइन सिक्स आर 54, नाइन सेवन्स आर 63, नाइन एट्स आर 72, नाइन नाइन्स आर 81, नाइन टेन्स आर 90. नंबर टेन, टेन वन्स आर 10, टेन टूस आर 20, टेन थ्रीस आर 30, टेन फोर्स आर 40, टेन फाइव्स आर 50, टेन सिक्सेस आर 60, टेन सेवन्स आर 70, टेन एट्स आर 80, टेन नाइन्स आर 90, टेन टेन्स आर 100. इस तरह से टिल टेन तक इस वीक आपको टेबल्स लर्न करना है. नेक्स्ट वर्क इन ईवीएस सब्जेक्ट. एज इंट्रोड्यूस यू द ईवीएस टॉपिक इन दिस वीक फ्रॉम पेज नंबर 132. द टॉपिक नेम इज मील्स. मील्स का मतलब भोजन जो हम लेते हैं वो. इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट. सुबह के समय में हम किस क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट. मतलब जो सुबह का हम खाना खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं. तो फूड का जो टाइमिंग होता है वो 7:30 होता है. इस तरह का फूड मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम फूड का सेवन लेते हैं. इन द आफ्टरनून वी हैव लंच. दोपहर के समय जो खाना हम लेते हैं उसको क्या कहा जाता है. लंच कहा जाता है. टाइमिंग उनका वन टू मतलब एक दो बजे के आसपास रहता है. इस क्लॉक में आप देख सकते हैं कि इसमें वन ओ क्लॉक एक बजे का समय दिया गया है. एट नाइट वी हैव डिनर. और शाम के समय हम संध्या के समय मीन्स नाइट के समय किसका सेवन करते हैं. डिनर का मतलब जो रात को खाना खाया जाता है उसको डिनर कहा जाता है. उसका टाइमिंग इसमें क्लॉक में दिया गया 8 बजे मीन्स 8 o'clock का टाइमिंग होता है. तो इस तरह से सेंटेंस दिए हुए जिनको आपको रीड करना है और उन्हें लिखना है. इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट, इन द आफ्टरनून वी हैव लंच, एट नाइट वी हैव डिनर. इस तरह से आपको ये सेंटेंस लिखना है. राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है प्लस ओरल स्पीकिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी है. एक्सरसाइज इस तरह से मील्स यहाँ पे मील्स के नेम्स लिखने हैं आपको और टाइम. मॉर्निंग के समय हम क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, नाइट डिनर. नाइट के समय हम किसका जो भोजन लेते हैं उसको क्या कहते हैं डिनर कहा जाता है. ब्रेकफास्ट लंच और डिनर. इस तरह से ये फूड के पिक्चर अलग अलग दिए गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वेदर मतलब मौसम. मौसम विंटर समर और रेनी थ्री मेन सीजन होती है. विंटर में सर्दी की सीजन हम स्वेटर्स और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं. पहनने के लिए हम स्वेटर यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी को हम वार्म रख सकें मीन्स गर्म रख सकें. समर मीन्स गर्मी का मौसम. उस समय हमें अत्यधिक एयर की आवश्यकता हवा की आवश्यकता होती है. उस समय जो सन होता है वो सनलाइट बहुत ही तेज़ होती है और सूर्य ज़्यादा हॉट होता है और हमें ज़्यादा गर्मी की अनुभूति होती है. तो उस समय हम मैक्सिमम यदि ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का सेवन करते हैं और ठंडे जो कोल्ड पदार्थ हैं खाने के उनका हम सेवन अधिकतर करते हैं. रेनी सीजन में आप देख सकते हैं अम्ब्रेला का यूज़ होता है. रेन का अपना आपको वर्षा से भीगने से बचाने के लिए रेन कोट गम बूट्स इनका हम उपयोग करते हैं अपनी बॉडी को बारिश से बचाने के लिए. तो वर्षा को क्या कहा जाता है रेनी कहा जाता है. तो विंटर सर्दी, समर गर्मी, रेनी मीन्स वर्षा. तो विंटर समर और रेनी इन सीजन के नेम्स आपको एक्सरसाइज के तौर पे दिए गए हैं जिनका आपको नाम यहाँ लिखना है. फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक से वेजिटेबल्स नेम सब्जियों के नाम. आप पिक्चर को देख सकते हैं
मिर्च, मिर्च मीन्स ये मिर्च की पिक्चर जो है, मिर्च को क्या कहा जाता है, चिली, CHILLI, चिली कहा जाता है, जिनके आपको स्पेलिंग्स, प्रोनाउंस और हिंदी मीनिंग्स आपको यहाँ लिखना है। टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, टमाटर। पोटेटो, आलू, POTATO। बंद गोभी मीन्स पत्ता गोभी जिसको हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में कैबेज कहा जाता है, CABBAGE, कैबेज, बंद गोभी। ब्रिंजल, बैंगन, BRINJAL, ब्रिंजल, बैंगन। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपको यहाँ राइटिंग या लिखना भी है और इसके साथ में हमें याद भी करना है। फिर नेक्स्ट और कुछ वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं, ONION, ऑनियन, ऑनियन मीन्स प्याज। स्पिनच, SPINACH, स्पिनच मीन्स पालक। लेडी फिंगर, LADYFINGER, लेडी फिंगर, भिंडी। कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। कैरेट, CARROT, कैरेट, गाजर। इस तरह से आपको इन वेजिटेबल्स के नेम्स आपको याद करने हैं और फिर इनको लिखने भी हैं। इस तरह से आपका ये कार्य इस सप्ताह का रहेगा। आई होप यू विल कम्प्लीट योर वर्क विद इन टाइम एंड इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली कम्प्लीट दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल एंड वॉट एवर द क्राफ्ट एक्टिविटी आई टोल्ड यू कम्प्लीट दिस, क्लिक वन पिक्चर ऑफ द दिस एक्टिविटी एंड सेंड टू एस। थैंक यू स्टूडेंट्स, एन्जॉय योर दिस वीक, हैव ए नाइस डे।